आज की इस वाली वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक और न्यू बिजनेस। तो आज की इस वाली वीडियो में हम जो गेम खेलने वाले हैं उसकी वीडियोस आपने ऑलरेडी यूट्यूब पर देख रखी होंगी, बट यस वो एक पीसी गेम था और आज हम जो गेम खेलने वाले हैं वो एक मोबाइल गेम है। तो अभी तक तो आप में से काफी सारे लोग समझ चुके होंगे मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ, बाकी जो नहीं समझे मैं उनको बता देता हूँ कि जो आज हम गेम खेलने वाले हैं वो है गैस स्टेशन सिमुलेटर का कॉपीड वर्जन फॉर मोबाइल। बाकी भाई गेम काफी ज्यादा मस्त है भाई, फटाफट चलते हैं गेम के अंदर। ऑलराइट गाइस, अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ गेम के अंदर और ये है हमारा घर जहाँ पर हम अभी रहते हैं। बाकी घर को देख के अगर आपको थोड़ी बहुत गरीबों वाली वाइब आ रही है तो भाई आने देना, अभी स्टार्टिंग है फिलहाल हमारी। बाकी यहाँ पर एक गद्दा पड़ा हुआ है जहाँ पर आके हम सो सकते हैं, फिलहाल चलते फटाफट से गेट खोल के बाहर। बाकी अभी हम जस्ट सोकर ही उठे हैं, सुबह सुबह का टाइम भाई इसलिए स्टूडियो की चहकने की आवाज आ रही है और ये रहा हमारा अभी छोटा सा घर। बाकी हमारे घर के जस्ट सामने ही है हमारा खुद का गैस स्टेशन। वैसे ये जो हमारा गैस स्टेशन है ये सच्ची में भाई बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर भाई इतनी सारी चीजें हैं जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एटीएम लगा हुआ है ना, इसे हम पहले परचेज करना पड़ेगा $1,000 में, देन इसके बाद यहाँ पर जो भी कस्टमर आएगा और वो ट्रांजैक्शन करेगा तो उसके हमें यहाँ पर पैसे मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास है चार फ्यूल पंप जहाँ पर कार आके अपना फ्यूल अप करा सकती है। देन उसके बाद है हमारे पास दो कार वॉश स्टेशन, वो बात अलग है भाई दोनों ही अभी लॉक है। इसे अनलॉक करने के लिए हमें सबसे पहले इसे परचेज करना पड़ेगा और एक वॉश स्टेशन की प्राइस है भाई $3,000 और हमारे पास है $0। डोंट वरी भाई अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे भाई पैसे कमाएंगे और इसको परचेज जरूर करेंगे। इसी के साथ हमारे पास है चार्जिंग स्टेशन भी भाई, यहाँ पर इतने सारे चार्जिंग स्टेशन और एक चार्जिंग स्टेशन $5,000 का भाई, इससे भी अभी हम परचेस नहीं कर सकते। बट यस जैसे जैसे हमारा यहाँ पर बिजनेस ग्रो करेगा भाई, जैसे जैसे हम सारी चीजें यहाँ पर अनलॉक करते जाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर ये कूड़ा कौन फेंक गया है, लो अभी फिलहाल उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ, नहीं भाई अगली बार से देखा ना बहुत मारूंगा भाई जिसने भी फेंका होगा। यार अभी यहाँ पर एक और है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, आज हमारा फर्स्ट डे है भाई, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना हमें। यहाँ पर एक और भाई, इसको भी डाल देते फटाफट से। तो ओके गाइस यहाँ पर अभी जितने भी कूड़े के पैकेट्स थे वो सब मैंने अभी डस्टबिन में डाल दिया, अभी फिलहाल चलते भाई अपनी शॉप के अंदर, यहाँ पर कस्टमर्स आए हुए हैं। बाकी ये कौन बैठा हुआ है, बैगर है शायद, यस होमलेस लिखा हुआ है भाई, अभी मेरे पास खुद $0 भाई, मैं तेरे को क्या दूं। बाकी यहाँ पर भाई कस्टमर्स वेट कर रहे हैं भाई, फटाफट से चलते हैं, इनको जो भी सामान चाहिए इनको दे देते हैं। हेलो मैडम क्या चाहिए आपको, 3 पैकेट्स ऑफ पास्ता। 3 पैकेट से क्या हुआ भाई, 10 पैकेट ले जाओ कम से कम, बच्चों को खिलाना, आप खुद खाना, देखो कितनी पतली हो रही है भाई, 3 पैकेट ही ले गई वो मैडम। हां भाई सब तुम्हें क्या चाहिए, आइसक्रीम ले जाओ भाई, 50% डिस्काउंट तुम्हारे लिए। बाकी हाँ यार अभी फिलहाल दो कार्स हमारा वेट करी जिनके अंदर अभी फिलहाल हमें फ्यूल डालना है, फटाफट से इस टैक्सी के अंदर यहाँ से फ्यूल अप कर देते हैं और जब तक यहाँ पर फ्यूल अप हो रहा है जब तक चलते भाई सेकंड टैक्सी के पास, उसके अंदर भी जल्दी से लगा देते हैं। तो फटाफट से यहाँ से इसको हटा के इसके फ्यूल टैंक के अंदर फिट कर देते हैं। अभी फिलहाल इसके अंदर फ्यूल जाने लगा होगा, तो अभी फिलहाल फर्स्ट वाली कार के अंदर फ्यूल अप हो चुका है, यहाँ से इसको हटाते और ये देखो भाई पैसे मिल चुके हैं $74। तो अभी ना ऑफिशियली हमारा गैस स्टेशन स्टार्ट हो चुका है आफ्टर फ्यूलिंग अप द टैक्सीज एंड कार्स। बातों में अभी इसका भी फ्यूल अप हो चुका और यहाँ से भी देखो $71 आ चुके हैं। अभी ना भाई हमारा गैस स्टेशन बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो करने वाला है। बाकी यार अभी हमारे पास हो चुके हैं $197, तो क्यों ना अभी फिलहाल हम इस गरीब का थोड़ा सा भला कर दे, इसको $10 दे देते भाई, इसकी दुआ से हमारा बिजनेस और भी जल्दी ग्रो करेगा। बाकी अंदर भाई कस्टमर खड़े हैं, यहाँ पर उन्हें वेट करना पड़ा, यार ज्यादा वेट नहीं कराना कस्टमर्स को, ज्यादा वेट कराएंगे भाई गलत इंप्रेशन जाएगा, अभी फिलहाल हमारे बिजनेस की स्टार्टिंग है। बाकी बाहर जो कार में फ्यूल अप करने के लिए लगाया था उसके अंदर फ्यूल अप हो चुका और यहाँ से इसको नोजल को हटाते, इसको जाने देते हैं, $68 आ चुके और भाई ये कचड़ा कौन फेंक जा रहा है बार बार, हेलो इसको इसके अंदर डालते हैं। और भाई एक और पैकेट कहाँ से आ गया, हेलो मैं नहीं उठा रहा भाई। अभी फिलहाल इस कार को सबसे पहले फ्यूल अप के लिए लगाते हैं, देन उसके बाद इसको हटा के डस्टबिन के अंदर डाल के आएंगे। यार ऐसा चलेगा तो मुझे तो भाई बंदे हायर करने पड़ेंगे अपने गैस स्टेशन को क्लीन रखने के लिए। बाकी यार अभी फिलहाल एक और कार आ चुकी है, इसको भी भाई फ्यूल अप के लिए लगा देते हैं। अभी फिलहाल जब तक इस वाली कार के अंदर फ्यूल अप हो रहा है भाई, जब तक अंदर चलते वेट, यहाँ पर से इसको निकाल देते हैं सबसे पहले। $140 हमारे पास आ चुके हैं, अब फिलहाल अंदर चलते हैं भाई, अंदर शायद कस्टमर्स आ चुके हैं हमारा वेट कर रहे हैं भाई। यार ओ कस्टमर खड़े यहाँ पे, हेलो मैडम क्या चाहिए, 1 किलो राइस ले जाओ, लेकिन भाई 1 किलो से होगा क्या, 10 किलो ले जाओ कम से कम, सुनो। हेलो मैडम, भाई मैडम नहीं सुन रही, 1 किलो राइस चाहिए तो 1 किलो ही ले जाएंगे भाई, ज्यादा नहीं ले जाएंगे। बाकी अब बाहर फ्यूल अप के साथ साथ मुझे शॉप के अंदर भी कॉन्स्टेंटली ध्यान रखना है क्योंकि भाई वहाँ पे कस्टमर खड़े रहते हैं। यार इस कचड़े से अलग परेशान हूँ भाई, ये कितने बंडल्स डालूं मैं एक दिन के अंदर डस्टबिन में, भाई बहुत सारे डाल चुके अभी तक तो। बाकी एक कार आ चुकी है, इसको लगाते हैं फ्यूल अप के लिए। एक और आ चुकी है भाई, ये सही बिजनेस
चल रहा है हमारा यहाँ पर। ऐसे ही चलता रहा ना भाई, ये बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। बाकी अंदर कस्टमर्स आ चुके हैं, वेट कर रहे हैं। फटाफट चलते हैं भाई, इनको सामान देखते हैं। भाई क्या चाहिए? वन पैकेट ऑफ टॉयलेट पेपर ले जाओ भाई, 50% डिस्काउंट तुम्हारे लिए। हाँ भाई, वन पैकेट ऑफ गम ले जाओ भाई, 50% डिस्काउंट तुम्हारे लिए। भाई तुम क्या याद रखोगे यार, आज पहला दिन है गैस स्टेशन का, इसलिए भाई 50% डिस्काउंट मिल रहा है सबको। इसको भी निकालते हैं। बाकी यार ये गलत बात है भाई, इतना कचरा कौन फेंक के जा रहा है आखिर? यार ऐसा रहा तो मुझे सच में एक बंदा हायर करना पड़ेगा भाई अपने गैस स्टेशन को क्लीन रखने के लिए। बाकी अभी शॉप के अंदर चल के देखते हैं, यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। ओके भाई, कस्टमर आ चुका है और सामने भाई कार्स भी आ चुकी है फ्यूल अप के लिए। और तो और भाई रात भी हो चुकी है, यहाँ पर से इसको फटाफट से फ्यूल अप के लिए लगाते हैं। अंदर जो कस्टमर आया भाई उसको सामान भी देना। जब तक इस कार के अंदर फ्यूल अप हो रहा है, जब तक चलते हैं भाई फटाफट से अंदर। दो कस्टमर आ चुके हैं, यहाँ से इनसे पूछते हैं भाई क्या लेना है। वन कैन ऑफ कॉफी, पागल है क्या भाई? 10-15 ले जा, घर में सबको पिलवा दियो। यार ये कस्टमर मेरी बात नहीं मानते भाई, ज्यादा क्वांटिटी में कुछ नहीं लेते भाई। अभी फिलहाल बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है, इस कार को भाई फटाफट से फ्यूल अप के लिए लगाते हैं। ऑलराइट, अभी फिलहाल रात काफी हो चुकी है और भाई बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है हमें गैस स्टेशन को स्टार्ट करे हुए। अभी फिलहाल इसको यहाँ से निकालते हैं, इन कार्स को फ्री करते हैं। और मेरे को भाई नींद भी आने लग गई, अभी फिलहाल अंदर कस्टमर खड़े हैं, इनको भाई सामान देख के हम चलते हैं सोने के लिए। 2 bottles ऑफ कोला ले जाओ भाई। तो ओके गाइस, अभी फिलहाल काफी ज्यादा रात हो चुकी है। आज की हमारी दुकानदारी रही $1,123 की। अभी फिलहाल यहाँ के गेट को क्लोज करते हैं और चलते हैं अपने गैस स्टेशन को बंद करके सोने के लिए। पीछे ही है हमारा घर भाई, फटाफट से पहुंच जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है और आज है हमारे गैस स्टेशन का दूसरा दिन। आज मैं काफी सारी चीजें हमारे गैस स्टेशन के अंदर इंप्रूव करने वाला हूँ। अभी फिलहाल फटाफट चलते हैं भाई गैस स्टेशन की ओर और फटाफट से हम अपने गैस स्टेशन को ओपन करते हैं। तो हाँ, अभी हमारे पास है $1,123 और मैं सोच रहा हूँ भाई कुछ ना कुछ चीज हम ऐसी अनलॉक कर लें जिससे हमें पैसे आने लगे। बाकी यार ये फ्यूल स्टेशन तो महंगा भाई, $2,000 अभी हमारे पास नहीं है। बाकी अभी इसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी फिलहाल सबसे पहले शॉप ओपन करते हैं। भाई शॉप ऑलरेडी ओपन है, तो देखो मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही है और वो ये कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक एम्प्लॉई हायर करूँ। तो देखो यहाँ पर भाई कितने सारे एम्प्लॉईज हैं और सबका काम अलग अलग है। कोई कैशियर है, कोई भाई पंपर है और सबकी सैलरी भी अलग अलग है। बाकी तो अभी फिलहाल कस्टमर आ चुके हैं भाई, इनको सामान दे देते हैं फटाफट से। हाँ भाई सब ब्रश ये ले जाओ। बाकी अभी इसी के साथ बाहर कार्स भी आ चुके हैं फील ओपन के लिए। भाई मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, कार्स को अलग देखना है मेरे हिसाब से। भाई मेरे को एक एम्प्लॉई हायर कर लेना चाहिए जो कि बाहर भाई कार्स के अंदर फ्यूल अप करते रहे, क्योंकि यार अभी ना हमारा काम बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी ना मैं शॉप के अंदर काफी सारी चीजें न्यू लाने वाला हूं जिससे भाई कस्टमर्स ज्यादा आएंगे, और कस्टमर्स ज्यादा आएंगे तो मेरा ध्यान भाई बाहर आ ही नहीं पाएगा, इसलिए भाई मैं एम्प्लॉई हायर करने जा रहा हूं। फटाफट से लास्ट इसको डाल के आते हैं डस्टबिन के अंदर और चलते भाई एम्प्लॉई को हायर कर लेते हैं। और तो और ये देखो भाई, 2 customer ऑलरेडी वेटिंग में। सबसे पहले भाई एम्प्लॉई हायर करते हैं, फिर इनको सामान देंगे। तो देखो यहां पर एलेक्स नाम का बंदा है जो कि पंपर है, जो फ्यूल अप करेगा, इसी को हायर कर लेते हैं। $500 इसकी पेमेंट हो चुकी है, डन। बाकी ये क्या हुआ भाई, थीफ अलर्ट भाई, चोर भी घुस जाते हैं क्या हमारी शॉप के अंदर? यार पता नहीं, चोर तो आया बट वो दिख नहीं रहा है। हेलो भाई कहां पर है चोर? ये रहा भाई, मेरे को दिख चुका है, उसके अंदर मैंने दे दिया है भाई, फाइनली वो भाग चुका है। बाकी ये रहा वो एम्प्लॉई जो अभी हमने हायर किया है, एलेक्स नाम का बंदा। बट ये भाई यहाँ पर फ्यूल क्यों नहीं डालना भाई, गाड़ियां खड़ी हैं, लो डालना फ्यूल। पता नहीं यार ये फ्यूल अप क्यों नहीं कर रहा। अभी फिलहाल फटाफट से मैं ही डाल देता हूँ इसके अंदर, पता नहीं भाई मैंने गलत बंदा तो हायर निकल लिया। बाकी यार जब तक फ्यूल अप हो रहा है, जब तक अंदर चलते हुए अंदर कस्टमर आ चुके हैं, मैं सोच रहा हूँ एक बंदा और हायर कर लूं भाई यहाँ पर, जो कि भाई सामान वामान दे दिया करे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर से एक एम्प्लॉई और हायर कर लेते हैं जिसकी प्राइस है भाई $500। ऑलराइट गाइस, अभी फिलहाल हमने अंदर के लिए एक एम्प्लॉई और हायर कर लिया है। और तो भाई जो बंदा हमने बाहर के लिए हायर किया था भाई, इसका समझ नहीं आ रहा भाई, यहाँ पर कार्स खड़ी हैं लेकिन ये फ्यूल डालने को राजी नहीं, पता नहीं क्यों। बाकी अभी यहाँ पर एक कचरे का बंडल डला हुआ है, इसको ही डाल देते हैं भाई फटाफट से। भाई पता नहीं कौन डाल जाता भाई, मैं तो इतने दिनों से परेशान हूँ इसको डाल डाल के डस्टबिन के अंदर। बट वेट भाई, इस बंदे को एकदम से क्या हुआ यार? ये बंदा अभी तक तो फ्यूल डाल नहीं रहा था, बट एकदम से इसको क्या हुआ भाई, ये फ्यूल डालने लग गया। बाकी हमें क्या भाई, इससे अच्छी बात है भाई, फ्यूल डालने लग गया है अपने यहाँ। बाकी यहाँ भाई बात करें इस गेम की, तो गेम के अंदर भाई करने को बहुत कुछ है भाई, बहुत सारी चीजें हैं। धीरे धीरे हम सारी चीजों को अनलॉक करेंगे, अभी फिलहाल हमारी स्टार्टिंग है भाई। इस गेम के अंदर हमारा बिजनेस ना बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। बाकी अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इसका सेकंड पार्ट मुझे बनाना चाहिए या फिर नहीं। और अगर आपको वीडियो गेम खेलना है तो भाई इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लेना। और हाँ ऐसी ही गेमिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।